जापान के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी करेंगे जापानी पीएम के साथ 13वें भारत जापान द्विपक्षीय सम्मेलन में शिरकत, द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा। टोक्यो में आधी रात को स्वागत करने पहुंचे भारतीयों को देख पीएम हुए मंत्रमुग्ध, हर किसी से मिलाए हाथ। पीएम मोदी का टोक्यो के इंपीरियल होटल में हुआ जोरदार स्वागत, खूब गूंजे हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे। कल से अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, 3 जजों की बेंच सुनेगी मामला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या विवाद पर बयान, बोले सबरीमाला पर हो सकता है फैसला तो अयोध्या पर भी आए निर्णय। मुजफ्फरनगर में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अदालती फैसले से पहले ही किया राम मंदिर बनने का ऐलान, कहा बाबर के नाम की नहीं बनेगी कोई इमारत। भीप ने संसद में शीतकालीन सत्र में राम मंदिर निर्माण पर कानून लाने का जताया भरोसा, कहा साधु संतों का धैर्य हुआ खत्म। 6 नवंबर को अयोध्या में पिछले साल की तरह ही जलाएंगे दीप, यूपी सीएम का ट्वीट। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति भी करेंगे शिरकत। एटा में दारोगा ने पकड़े गए शराब माफिया को घूस लेकर छोड़ा, वीडियो हुआ वायरल। आजमगढ़ में मदरसे के प्रबंधक के बेटे पर 6 साल की बच्ची से रेप का आरोप। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप YouTube पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook पर लाइक भी कर सकते हैं और Twitter पर फॉलो भी।